क्योंकि सांसद बाद में, लेकिन पहले तो मैं औरत हूँ, तो औरत का रक्षा और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ तक मंच पर भाषण देते हैं, लेकिन आज जो जिस तरह का जो स्थिति है उसमें और भी महिलाओं को रक्षा करना और महिलाओं को सम्मान करना बहुत जरूरी है। पहलवान धरने पर हैं, आपने बात करी महिलाओं के सम्मान की, तो क्या उनको 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 क्या समझते हैं, उनको जो भी है न्याय मिलना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जिस तरह का जो दोनों तरफ से चल रही है वो बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। आज विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज अमृतसर में एक खास कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जयाप्रदा जो कि फिल्म स्टार हैं, अभिनेत्री रह चुकी हैं और एमपी भी रह चुकी हैं और इस समय बीजेपी की वो बड़ी नेता हैं। आज ये अद्भुत भारत, संपन्न भारत, आत्मनिर्भर भारत, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सम्मान समारोह रखा गया है जिसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की ओर से करवाया जा रहा है। बहुत सारे लोग देखिए इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। जयाप्रदा खास तौर पर यहाँ पर पहुंची हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आई हैं, उन अमृतसर के लोगों को उनका क्या संदेश है और वह क्या कहना चाहती हैं? वेलकम टू अमृतसर जी। वेलकम टू अमृतसर। अमृतसर के लिए कुछ अमृतसर के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आई लव अमृतसर एंड पीपल ऑफ द अमृतसर, दे आर सो लविंग। थैंक यू। कुछ संदेश अमृतसर वालों के लिए? बहुत अच्छा लगा मुझे आज विश्व हमारे लिए पर्यावरण का, विश्व पर्यावरण का आज दिवस है। हम इसमें यहाँ इस कार्यक्रम में यहाँ बुलाया गया और खास मैं पहली बार अमृतसर में मना रही हूँ, इसे बहुत अच्छा लगा। पर्यावरण दिवस है अमृतसर में, आज खास तौर पर आप आई हैं, तो क्या पर्यावरण दिवस एक दिन के लिए होना चाहिए? देखिए ऐसा है ना, सबसे पहले आज विश्व पर्यावरण के दिवस पर मैं सभी को मैं शुभकामना देना चाहती हूँ और मुझे इस गुरुओं के इस पवित्र धरती पर पहली बार मुझे विश्व पर्यावरण के जो दिवस पर आप सबके बीच में मनाने के लिए मुझे बहुत गर्व एहसास हो रही है। और लेकिन बात यह है कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि वीपी सिंह साहब को, डॉक्टर साहब को, कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिए हैं और मुझे बहुत खुशी है। मैं जब जब यहाँ आती हूँ और इस धरती ने और इस जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया था और जो कुछ भी आज मैं जयप्रदा के नाम से हूँ वो सब मैं अकेले नहीं हूँ, आप सबके वजह से हूँ। तो आज खास तौर मुझे पंजाब में इतने सारे जो हमारे चाहने वाले हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बार बार एक ऐसे मौका मिले, मैं बार बार यहाँ आने के लिए मन करता है। और दूसरी बात यह है कि आज जैसे आपने सवाल पूछा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हम लोगों को प्रकृति को किस तरह का रक्षा करनी है और जो आने वाले दिनों में अपने अपने पीढ़ियों भी ये सीखना चाहिए कि हम लोगों को इस पर्यावरण को किस तरह रक्षा करना है, स्वच्छता देना है। और इसी के मुद्दे पर हम लोग आज एक मंच पर आकर हम लोग इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज एक ही दिन के लिए नहीं है ये, हम लोगों को एक माइंडसेट होनी चाहिए लोगों के लिए भी कि हम लोगों को अपने वातावरण को, अपने प्रकृति को किस तरह रक्षा करना है। और माननीय हमारे आदरणीय मोदी जी के उनके नेतृत्व में भी उन्हें पूरी प्रयास हो रही है कि इस भारत देश को किस तरह आगे बढ़ाना है और लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम लोगों को आज विश्व भर हम लोगों को ये जो दिन दिवस मना रहे हैं तो मैं इन लोगों को भी अपील करती हूँ कि सिर्फ एक दिन के लिए ना सही, लेकिन बार बार हम लोगों को यह याद रखना चाहिए, हम लोगों को इसको बचा के किस तरह प्रकृति को रखना चाहिए। जी, आप लंबे समय तक आपने फिल्मों पर राज किया, फिल्म इंडस्ट्री में आपकी फिल्म फेयर भी जीते हैं, आप राजनीति नेता में भी रही हैं, तो महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, आज बात तो बराबरी की होती है, तो क्या जो मान सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं? देखिए जहाँ तक हम लोगों को महिलाओं के खासतौर, मैंने इससे पहले समाजवादी पार्टी में थी जी। लेकिन जिस तरह मुझे, जिस स्थिति पर मुझे छोड़ा है, आज मैं
भारत जनता पार्टी में आने के बाद, मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद, योगी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, मैं सुरक्षा और रक्षा की एहसास करती हूँ एज अ लेडी। तो क्योंकि सांसद बाद में, लेकिन पहले तो मैं औरत हूँ, तो औरत का रक्षा और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और समाज में ये कोशिश होनी चाहिए, सिर्फ जो नेता लोग करेंगे, लेकिन हम जहाँ तक मंच पर भाषण देते हैं, लेकिन आज जो जिस तरह का जो स्थिति है, उसमें और भी महिलाओं को रक्षा करना और महिलाओं को सम्मान करना बहुत जरूरी। लास्ट सवाल है जया जी, पहलवान धरने पर हैं, आपने बात करी महिलाओं के सम्मान की, तो क्या उनको 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 क्या समझती हैं, उनको जो भी है न्याय मिलना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का जो दोनों तरफ से चल रही है, वो बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। मैं हमेशा पहलवानों के ना सही, लेकिन मैं महिलाओं को, बच्चों को भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अभी हम इंतज़ार में हैं कि वो क्या होगा, आगे वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, हम इंतज़ार करके देखेंगे। दूध के दूध पानी के पानी हो जाए। ये थी अभिनेत्री और सांसद जयाप्रदा, जो आज खास तौर पर पहुंची हैं अमृतसर में पर्यावरण को लेकर संदेश देने के लिए। इनका कहना है कि औरतों को, महिलाओं को उनका बनता सम्मान जरूर मिलना चाहिए। नेता भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन आज भी की चीजों की कमी है। जब उनसे पूछा गया कि पहलवान धरने पर हैं, उन्हें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, तो उन्होंने इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। अमृतसर से D4 न्यूज के दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।